में मजबूर होके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की नौबत आई। मैं सबसे प्रथम आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और महिलाओं को इस अवसर पर हम सब संगठित रहें, एक दूसरे को जोड़ते रहें, एक दूसरे की ताकत बढ़ाते रहें, ये हमेशा अपने मन में बात रखें। आज विश्व महिला दिवस है, यानी कि महिलाओं के प्रति प्यार और सम्मान का दिवस। साथियों, महिला के बिना तो इस समाज की कल्पना ही अधूरी है। समाज को संस्कारित करके महिला ही तो बच्चों को आगे बढ़ने में अपनी जगह, उसको अपना स्थान प्राप्त करने में पूरी ताकत लगाती है। अपने देश की बात करें तो सुबह उठते ही बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उनके लिए खाना बनाना, ऑफिस जाना, अपने घर के काम खुद करना और उसके बाद शाम को ऑफिस से आने के बाद फिर घर का काम करना और रात के किचन में हम अपना काम सारा पूर्ण कर ले, चाहे किचन के बर्तन क्यों ना वो भी मांझ के फिर अगले दिन के लिए महिला अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार करती है। ये है महिला शक्ति। कभी कभी सोचती हूँ कि बच्चा पैदा करने से लेकर उसे समाज में अपना स्थान पाने के लिए जितना महिला माँ के रूप में त्याग करती है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। क्या उसे उतना सम्मान मिलता है? तो कई बार निराशा भी होने लगती है, लेकिन फिर सोच कर तसल्ली होती है कि शायद उस सम्मान को देने के लिए ही तो आज से 105 वर्ष पूर्व विश्व महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। मित्रों, महिला ही तो है जो माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, पुत्री एवं अध्यापिका का रूप लेकर छोटे से छोटे बच्चे को संस्कार देकर पुरुष बनाती है, जो कभी शिवाजी, कभी भगत सिंह, कभी गांधी जी, कभी नेहरू जी या नरेंद्र मोदी के रूप में आज उभरे हैं। वही महिलाएं भी संस्कार पाते पाते सीता, जलकारी बाई, रानी लक्ष्मी बाई, इंदिरा गांधी बनती है। अमेरिका से मिलने वाला प्रथम महिला पुरस्कार महिला व्यापारी सम्मान शहनाज हुसैन मेकअप का सामान बनाते हुए पाती है। आज की भारत की महिला काफी आगे बढ़ चुकी है। मैं कई बार महिलाओं को देखा है बाहर स्टेट्स में भी जाते हुए, थ्री व्हीलर बस ट्रक चलाते हुए देखती हूँ और उसके साथ साथ महिलाएं अंतरिक्ष में भी जाने की पूरी तैयारी में हैं। उसमें चाहे हमारी कल्पना चावला हो और फाइटर जहाज चलाने वाली हमारी पहली प्रथम महिला रही अवनि चतुर्वेदी, IPS ऑफिसर हमारे बीच में जिनका आपने अच्छी तरह नाम सुना हुआ है, किरण बेदी जी, कठिन से कठिन रास्ते गुजरने के बाद बुलंदियों को छूने वाली महिला ही कर सकती है। आज भारत की विदेश मंत्री हमारी माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, रक्षा मंत्री हमारी माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हमारी माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, एक साधारण परिवार से ही महिलाएं रही हैं जो जिन्होंने इतना नाम कमाया और देश को आगे बढ़ाया। सर, आज हमारी सरकार महिलाओं को सम्मान देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिसे महिलाओं को जागरूकता बढ़े तथा सम्मान से महिला जी सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सरकारी योजना, उज्ज्वला योजना, बालिका शिक्षा, ना जाने कितनी योजनाएं सरकार महिला हेतु ला रही है। BSF में महिलाओं को भर्ती कर एवं उग्रवादियों से पूरा मुकाबला कर सके, इसमें ही महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। साथियों, इसके साथ साथ महिला पुलिस स्टेशन, जल थल सेना, वायु सेना एवं नेवी में भी
जहाँ पुरुष जाते थे महिलाएं आगे नहीं बढ़ती थी, आज उसमें भी पूरा पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र में भी देखेंगे, जहाँ ग्राम पंचायत के इलेक्शन हों या म्यूनिसिपल काउंसिलर्स के हों, वहाँ जहाँ 33% होता था, आज 50% भागीदारी महिलाओं की है। कहने का भाव है कि महिलाएं कहीं पुरुषों से पीछे नहीं है। अगर पुरुषों को भी मजबूती मिलती है तो महिलाओं के बल पे, अगर महिला भी आगे बढ़ती है एक दूसरे पुरुषों के बल पर। कहते हैं ना, महिला पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। कहते एक साइकिल के दो पहिए हैं, एक पहिए के बिना साइकिल नहीं चलता। ऐसे महिला पुरुष भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब एक दूसरे का सहयोग हो। लेकिन महिला शक्ति ऐसी है जो पुरुष अकेला काम करता है वो महिला वो सारे काम करके दिखाती है। साथियों, इसके साथ साथ वह दिन दूर नहीं जब विधानसभा क्षेत्र में भी हम महिलाओं का भी 50% भागीदारी रहेगी। और इसके साथ साथ आने वाले समय में लोकसभा में भी महिलाएं 50% हिस्सा लेंगी, क्योंकि वो उनके काम में पूरी ट्रांसपेर हम कहीं भी देखते हैं। महिलाएं तन मन से जो भी काम करती हैं, अगर ऑफिस में जाती हैं उनको रहता है कि मैं अपना काम पूरा करूं, और उसके बाद उतना समय काम में करने के बाद उसके बाद अपना समय परिवार के लिए भी तन मन से वो काम सहयोग करती हैं। महिला विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास, कहते हैं महिला विकास से हम कहते हैं महिला विकास दिवस। लेकिन जो महिला विकास महिलाओं के नेतृत्व में विकास, इस तरीके की हमारी सोच है और इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें और देश को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।